हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक केटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिसको मैंने वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बेस है जिसके ऊपर इस केटल को हमें रखना होता है और जिससे हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इसका एक अटैचमेंट है जिसमें आप अगर इसमें चाय प्रिपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर आसानी से लग जाता है ये अटैचमेंट, क्योंकि अभी हम इसमें चाय नहीं बना रहे, तो इसे आप आसानी से हटा सकते हैं बाकी चीज़ों को कुक करने के लिए, ताकि ये गंदा ना हो। गंदा हो जाता है तो आपको इसे क्लीन करने की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हम साइड कर देते हैं। केटल में हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आपको गर्म पानी चाहिए तो इस केटल में हम वाटर ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रेड कलर का स्विच है, इसे मैं ऑन कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल गई है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका यहाँ पर केटल यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर पानी बॉयल होने लगता है। अब हम इसके स्विच को बंद कर देंगे क्योंकि पानी हमारा बॉयल हो चुका है, तो और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे गर्म पानी में। और इसे हम इस पानी को इस कप में निकाल लेते हैं। और ये गर्म पानी रेडी है, वो भी केटल में बहुत ही जल्दी रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट इस्तेमाल करके देखते हैं। और जब आपकी केटल बहुत ज़्यादा गंदी हो, अंदर से ऑयली हो, तो आप इसी तरह गर्म पानी करके उसे क्लीन कर सकते हैं। और इस केटल में उसे गर्म करने से जो भी ऑयल है इस केटल में वो रिमूव हो जाता है। तो चलिए इस केटल में अब हम मैगी को प्रिपेयर करते हैं। मैगी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इस केटल में हम वाटर ऐड कर लेंगे, और इसमें हम आप अपने मनपसंद कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली स्वीट कॉर्न ऐड कर देती हूँ इस वाटर में। तो अब हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे, मैगी मसाले को, और अब इस मैगी को इसमें ऐड कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी मैगी बनकर रेडी हो जाती है। तो ये हमारी मैगी रेडी हो गई है, तो इसके स्विच को बंद कर देते हैं यहाँ से। तो अब आप देख सकते हैं हमारी मैगी बिल्कुल रेडी है, वो भी बहुत ही जल्दी। और हमारी केटल भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई। अगर आप इसी वक्त अगर पानी से अच्छे से इसे रिंस कर देंगे तो ये बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगी। और बहुत सारे केटल्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छे केटल्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, जिनके कस्टमर रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट रेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। और इसी तरह इस केटल में आप मिल्क को बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बटन से आप इस केटल को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 0 पर कर रखा है, यानी स्लो कर रखा है। और अगर आप जैसे ही इसे 1 पर, यानी 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, कर देंगे तो ये केटल हमारी फास्ट चलने लगेगी। तो यहाँ पर ये बटन का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर स्लो चलने लगी हमारी केटल। अब हम इसे फास्ट करेंगे तो बहुत तेज़ी साउंड आएगा। तो अब आप देख सकते हैं मिल्क भी यहाँ पर बॉयल होना शुरू हो गया है, और बहुत तेज़ी यहाँ पर मिल्क बॉयल होता है। मिल्क के लिए आप बहुत अलर्ट रहें, बहुत ही जल्दी ऊपर आता है। और इसी तरह इस केटल में आप स्वीट कॉर्न्स भी बना सकते हैं। तो इस केटल में हम सबसे पहले यहाँ पर बटर ऐड कर लेंगे, और बटर यहाँ पर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें स्वीट कॉर्न्स ऐड कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मसाले चाहते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा ऑरिगैनो ऐड कर लेंगे, अब पिज़्ज़ा चिली ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर नमक ऐड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी हमारे स्वीट कॉर्न्स रेडी हो गए हैं इस केटल में। तो इसे अब हम सर्व करेंगे। तो 2 मिनट के अंदर ही हमारे स्वीट कॉर्न्स भी रेडी हो गए हैं। और अब हम इस केटल में ओट्स को प्रिपेयर करेंगे। मिल्क मैंने बॉयल कर लिया है, और अब इसमें ओट्स ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर ओट्स की जगह दलिया भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप दलिया बनाना चाहते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पर मसाले वाले ओट्स भी बना सकते हैं। और इस ओट्स में शुगर भी हम ऐड कर लेंगे, और अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहते हैं। तो ये हमारे ओट्स अच्छे से पक गए हैं। चलिए इसके स्विच को अब हम यहाँ से बंद कर देंगे। बहुत ही डिलीशियस बना है ओट्स, आप देख सकते हैं। और अब हम इस केटल में चाय को प्रिपेयर करेंगे। चाय के लिए सबसे पहले इसमें हम वाटर ऐड कर लेंगे, और इस पानी में हम तुलसी की पत्तियों को ऐड कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर बॉयल होने लगा है, और अब हम इसमें चाय की पत्ती ऐड कर लेंगे, और जिंजर को ग्रेट करके ऐड कर लेंगे। और चाय की पत्ती अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो अब हम इसमें मिल्क ऐड कर लेंगे, और इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे। और ये बहुत ही जल्दी 2 से 3 मिनट के अंदर ही चाय रेडी हो जाती है इसमें पक करके। और चाय बन चुकी है, तो चलिए इस केटल को ऑफ कर देते हैं यहाँ से। और ये चाय भी हमारी रेडी हो गई है, जिसे हमने केटल में बनाया है। और इस चाय की जगह पर आप कॉफ़ी भी बना सकते हैं।
अगर आप कॉफ़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसमें कॉफ़ी भी आपको बना करके दिखा दूंगी। और इसी तरह आप एग को भी इस केटल में बॉयल कर सकते हैं। इसमें मैं पानी ऐड करूंगी और इस केटल में इस एग को अब हम डाल देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे। बहुत ही जल्दी एग जो है बॉयल हो जाता है इस केटल में। तो ये एग भी बॉयल हो गए हैं। बहुत ही आसानी से इस केटल में सारा काम हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।